हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे, क्योंकि व्यस्त रहना सबसे अच्छी मेडिसिन है आपके फ्यूचर में। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखें और मस्त रखें। चलिए समझते हैं आज ताइवान और चाइना का विवाद। ये बेसिकली विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है, तो आज हम समझ लेते हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि यही तीसरा विश्व युद्ध हुआ, अगर इनके बीच में युद्ध हुआ तो यही तीसरा विश्व युद्ध के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें कुछ देश खासकर यूरोपियन जो कंट्री हैं वो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि दक्षिण भारत में जितने भी कंट्री हैं या एशियन क्षेत्र में एशिया में जितने भी कंट्री हैं, इनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाओं के साथ रिलेट कर दिया जाए और अपना मार्केट फिर से गर्म कर दिया जाए। मार्केट गर्म करने से मेरा यहाँ मतलब है कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका से लेकर ऊपर जितने भी, जिनके पास टेक्नोलॉजी 1800 की सदी 1800 सदी में 1800 के दौर में थी, उस समय जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, वो कहीं ना कहीं व्यापार के पर्पज से ही इन देशों को प्रवोक करते हैं, यानी कि उकसाते हैं। कभी इस पार्ट को लेकर वो कह देंगे कि नहीं, आप अलग हो जाओ, आपको अलग हो जाना चाहिए, आप सक्षम हो गए हो। तो ये छोटी छोटी उनको जो प्रलोभन देते हैं उसकी वजह से होता क्या है, उनको एक गर्मा गर्म मार्केट मिल जाता है। अब कोई अगर देश अलग होना चाहता है तो ओब्वियसली बात है, जब वो अलग होगा तो अपने रक्षा क्षेत्र के लिए सामान खरीदेगा, हथियार खरीदेगा। तो उस स्ट्रेटजी के साथ ये लोग अपने पास से फेंकते हैं ताकि इन्हें हमेशा एक नया मार्केट मिलता रहे। जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी छोटी क्लिप डालकर आपको इंटरेस्ट दिखाया था कि आप इंटरनेशनल मुद्दों को किस तरीके से समझकर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। अगर इसी तरह के और सारे वीडियो लेने के लिए देखने के लिए आप हमारे इस पार्टिकुलर सेशन को कंटिन्यू फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो हम समझ लेते हैं सबसे पहले आज ताइवान विवाद क्या है। बेसिकली ताइवान चाइना का ही पार्ट है, इसको भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ताइवान के साथ दो तीन बार इस तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ है कि वो अपने आप को अलग कहने में कोई हेजिटेशन यानी कि शर्म नहीं करनी चाहिए उसको। कई बार ताइवान पर इससे बुरे अटैक किए गए हैं। मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे, एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे, तो 3000 ईसा पूर्व की बात या 1700 शताब्दी की बात करें, उस समय ब्रिटेन का शासन बहुत सारे देशों पर हुआ करता था। यानी कि हम कहें कॉलोनी का युग चल रहा था, चाहे वो आप श्रीलंका देख लें, इंडिया देख लें, बहुत सारे पार्टों पर ब्रिटेन का शासन था। और एक कहावत तो ऐसे प्रचलित थी कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उस साम्राज्य में कहीं सूर्य उगता था तो कहीं अस्त होता था। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले जो एंशियंट हिस्ट्री से कुछ उठा के रिलेट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ताइवान इतने पिछले समय से यहाँ तक आने में और उसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी होने में आज चाइना को प्रॉफिट क्या है, उसे छोड़ने में प्रॉफिट है या उसे अपने साथ में रखने में प्रॉफिट है। हालांकि ताइवान इससे पहले कई प्रयास कर चुका है, लेकिन चाइना उसको सेपरेट नहीं होने देना चाहता और फ्यूचर में होने भी नहीं देगा यदि दूसरे देश उसका साथ ना दें। यदि दूसरी कंट्रियों ने उसका साथ दे दिया तो फिर अलग होना तय है। तो हम समझते हैं सबसे पहले ताइवान की हिस्ट्री। चाइना के ही पार्ट हुआ करता था, इसमें कोई झुटलाने वाली बात नहीं, लेकिन 1895 की बात है, इस समय चाइना में गृह युद्ध शुरू हो गया। अब इस गृह युद्ध को सबसे पहले समझते हैं, तो 3000 ईसा पूर्व या 1700 शताब्दी की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों के शासन थे। पहले यहाँ डचों ने शासन किया, डच के बाद 1662 में कुछ छोटी सी टुकड़ी स्पेनियों की थी, उन्होंने भी ट्राई करा कि यार इस क्षेत्र को जीत लेते हैं, व्यापारिक हिसाब से हमारे लिए अच्छा होगा, लोकेशन भी अच्छी है और चाइना सी में ये बहुत अच्छी लोकेशन है, हम ये वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह कंट्रियों से आराम से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो 1642 में डचों ने उनको फिर परास्त कर दिया, तो स्पेन यहाँ से भाग गए। तो 1683 से 1895 चाइना और जापान के बीच में चाइना में देखो ऑलरेडी 1895 के दौर में गृह युद्ध चल ही रहा था, और उसी समय थोड़ा जापान से फिर उनका झगड़ा बगड़ा हो गया, या इंटरनल इशू है, वो किसी बात को लेकर जापान ने कुछ बोल दिया होगा, तो ऐसे चलते रहे। 1895 के दौर में ऐसा सारा सिस्टम चलता रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते सिचुएशन इतनी बुरी तरह बदल गई कि 1945 के आसपास जब अमेरिका ने, उस समय सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो भी ब्रिटिश राष्ट्र थे, जो अमेरिका था, फ्रांस थे और आपका यूके था, ये सारी कंट्रियों ने एक साथ मिलकर अपना ग्रुप बना लिया था। तो उस समय चाइना इस पक्ष में था, विजेता, सेकंड वर्ल्ड वॉर में चाइना विजेता कंट्रियों के पक्ष में था।
तो उस समय जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए, तो उस समय जापान पीछे हट गया, सारा साम्राज्य अपना छोड़ के पीछे हट गया। आपको एक एडिशनल जानकारी और दे देता हूँ, उस समय जो आप आज आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो कंट्री का दो कंट्रियों के नाम सुनते हैं, वो पहले सिर्फ कोरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता था, और उस कोरियन पेनिनसुला पे पूरे पर जापान का कब्जा था। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में अमेरिका ने बम गिराया जापान के ऊपर, तो जापान पीछे हट गया, और उस समय विजित राष्ट्रों से चाइना ने एक अपनी चाल चली और पूछ लिया कि ये क्षेत्र को मैं अपने पास रख सकता हूँ, तो विजित राष्ट्रों ने कह दिया हाँ भाई तुम्हारे नज़दीक है तो तुम इस पर ऑब्वियसली कब्जा कर सकते हो। तो उस समय चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1950 आते आते चाइना में इतनी बुरी तरह गृह युद्ध होने लगा, कलेश होने लगा, कि आपस में चाइना में जो सबसे पहले से चियांग काई शेक और एक माओ जेडोंग, ये माओ जेडोंग तो नई पार्टी बनाकर सामने आए थे, लेकिन KMT चियांग काई शेक की पुरानी पार्टी थी जो चाइना में बहुत पहले से शासन कर रही थी या सत्ता में थी, वो पहले से वहाँ थे। लेकिन जब माओ जेडोंग वहाँ पर आए और माओ जेडोंग और KMT पार्टी यानी कि चियांग काई शेक के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगे, तो जिन ओबीसी बात है जो चियांग काई शेक थे उनकी पार्टी सत्ता में रही, तो उनका जो विरोध है वो बहुत ज़्यादा होने लगा था। आप देखते हैं जब भी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा समय तक सत्ता में रहती है उनका विरोध होने ही लगता है, चाहे आप इंडिया में देख लें, चाइना बहुत समय से कांग्रेस यहाँ पर राज कर रही थी लेकिन कांग्रेस का धीरे धीरे विरोध हुआ और कांग्रेस ने BJP से रिप्लेस कर दिया अपने आप को। तो ये चीज़ें हैं चियांग काई शेक के, वहाँ विरोध होने लगा KMT पार्टी के, और ये माओ जेडोंग के बीच में इनके आपस में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। शीत युद्ध का यही मतलब है कि आपस में घर में गृह कलेश होने लगा, गृह कलेश इतना बड़ा मैं आपको बता दूं कि दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। लेकिन उस समय जो पुरानी पार्टी चियांग काई शेक की थी वो उनके कुछ समर्थक तकरीबन 10-12 लाख होंगे, इसका फिगर कोई फिक्स नहीं है, किसी किसी डॉक्यूमेंट में कम ज़्यादा हो सकता है, तो उनके जो सपोर्टर थे वो यहाँ से भागकर ताइवान द्वीप पर चले गए। तो वहाँ से पहले जो चाइना के लोग वहाँ पहले से रह रहे थे उनका और चाइना से जो लोग यहाँ से चियांग काई शेक पार्टी के लोग भाग के गए थे उनका आपस में कम्युनिकेशन हो गया, और यहाँ से उनके समर्थक जो पुरानी पार्टी चाइना में थी वो भागकर वहाँ ताइवान में शिफ्ट हो गए, और धीरे धीरे ये अपना शासन वहाँ पर चलाने लगे। लेकिन 2000 के दौर में सन 2000 में वहाँ पर एक जनरल चुनाव हुए जो कि चाइना ने उस रिजल्ट को नहीं माना, उस समय भी ये इनकी पार्टी ही जीत गई थी, चियांग काई शेक की पार्टी जीती, लेकिन चाइना के लोगों ने कहा, चाइना के शासन ने कहा हम आपको अलग प्रशासन करने की जिम्मेदारी तो दे सकते हैं लेकिन अलग देश की मान्यता नहीं दे सकते, ना ही मैं इस चीज़ को लिबरल करूँगा कि कोई भी कंट्री आपको अलग देश माने। यही कारण है कि भारत भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है कि चाइना एक ही है, जबकि चाइना के ये पार्ट वाले लोग जो पहले से चाइना था उसको हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, जबकि जो ताइवान वाला पार्ट था यहाँ के लोग अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। तो ये दोनों लोगों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट था, तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हम एक अलग से अपने देश की मान्यता लें और ताइवान को एक अलग देश के रूप में ट्रीट करें सारे दुनिया के लोग। तो उनके बीच में ये हिस्ट्री थी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें क्या है, क्या हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं यदि भविष्य में युद्ध हुआ और ताइवान सेपरेट हुआ चाइना से, तो इससे हमें प्रॉफिट ये होंगे कि अभी हमें चाइना से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती है उसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं घट जाएगी, और चाइना में स्पेशल कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना वो ताइवान जापान के कब्जे में रहा तो उसके टच से कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आ गई, और ताइवान की टेक्नोलॉजी आज बहुत अच्छी है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज करी जाती है वर्ल्ड में, जापान हो गया, ताइवान हो गया, और बहुत सारे जो वियतनाम हो गया, इन सारे देशों की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं भारत को इस समय ताइवान कार्ड खेलना चाहिए, ये मैं नहीं, कांग्रेस के एक नेता हैं शशि थरूर जी, उन्होंने कहा है कि इस समय ताइवान कार्ड खेलने का सबसे बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि चाइना भी कई बार इन्वेडर के रूप में हमारे कश्मीर वाले मुद्दे पे इंटरप्ट करता है, जैसे POK पे इंटरप्ट कर ही रहा है, जैसे वहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, तो हमें इस समय भी उसको समझाना चाहिए कि इन फ्यूचर हम अपनी ग्रिप बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब आप तोड़कर CPAC का निर्माण कर रहे हैं, हमें उसमें बाईपास कर दिया, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये सारी चीज़ें देखकर इस समय ताइवान कार्ड खेल देना चाहिए, और इससे भारत को स्पेशली ताइवान को छोटी मोटी टॉक के लिए इनवाइट करना चाहिए। इससे होगा क्या कि हमारे देश में वहाँ का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और कुछ स्पेशल फैक्ट्रियाँ यहाँ भी आएंगी, तो
फैक्ट्रियों को जल्दी यहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगी, और टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ एक जो अभी की थोड़े समय की बात है, जो चिप क्राइसिस आया था उस क्राइसिस से बचा जा सकता है यदि हम चाइना के ताइवान के साथ कुछ ऐसा MOU साइन कर लें तो। भविष्य में हमारे लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ना कि यूरोपियन कंट्री के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन भारत के लिए भी पर्याप्त हैं। तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और दूसरी बात इंटरेस्टिंग मैं आपको और बता दूं, आज जो UN सिक्योरिटी में चाइना मेंबर बना बैठा है वो पहले नहीं हुआ था। 1949 या 50 के दौर में चाइना ने जब ताइवान को फिर से डराया तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे आइजन हॉवर जो राष्ट्रपति वहाँ के हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। उसकी वजह यही थी कि उनको एक नया मार्केट मिलेगा। ये लोग बहुत पहले से इतने प्रोवोकेटिव माइंड के हैं कि इनको नया मार्केट लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उस समय 1945 में आइजन हॉवर जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने यहाँ पर अपनी नेवी भेज दी ताइवान की सेफ्टी के लिए। तो चाइना और ताइवान के बीच में जो ताइवान स्टेट है वहाँ पर इन्होंने अपने सातवें वेड़े को यहाँ पर तैनात कर दिया। तो चाइना ने उस समय कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर लिया, लेकिन धीरे धीरे 1950 में जब नेवी का इनको सपोर्ट पूरा मिल चुका था, उस समय UN कुछ समय बाद 1945 में अमेरिका ने सोचा कि चाइना हमेशा इसको परेशान करता रहेगा ताइवान को, तो उस समय ताइवान को UN सिक्योरिटी की मेंबरशिप दी गई। लेकिन चाइना इतना बड़ा कंट्री था, उसने अपने आप को री इन्वेल्ड करा और धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता गया और सारे कंट्रियों के साथ अपने संबंध अच्छे रखे और अपने आप को बहुत अच्छी एक स्थिति पे लाया कि आज चाइना जो है उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छे बूस्ट कर रही है। और 1971 आते आते 1971 आते आते ताइवान से चाइना का इतना दबदबा हो गया कि अमेरिका ने फिर से उससे 1971 में यानी कि 1971 में स्पेशल जो UN सिक्योरिटी की मेंबरशिप थी वो छीन ली और चाइना को दे दी। हालांकि भारत को भी ऑफर की गई थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में पता नहीं उस समय क्या चल रहा था और उन्होंने इसको डिनाय कर दिया, तो उस समय चाइना को फिर ये मेंबरशिप दे दी गई। तो कहीं ना कहीं एक ताइवान के साथ बहुत बुरा हुआ है। ताइवान को पहले एक अच्छे देश बनाने की कल्पना करने के बाद, यहाँ तक कि 40% मान्यता देने के बाद भी उससे स्टेटस वापस छीन लेना, तो ताइवान कहीं ना कहीं अपने आप को ये जद्दोजहद कर रहा है कि हम एक स्पेशल देश के रूप में मान्यता दी जाए। तो मैं तो यही कहता हूँ, मेरा यही सजेशन है कि भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं, आई एम नॉट श्योर कि आप 50% उसको अभी से मान लो, लेकिन 10-20% की अहमियत तो दे ही सकते हैं। इससे हमारे देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इसमें जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट इंटरनेशनल रिलेट करे हैं, जैसे चाइना, कोरिया, ये सारे पार्ट जो हैं वो वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हैं, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। और आपको हमारे चैनल पर दो ही काम करने होंगे, एक तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और एक लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि ज़रूरतमंदों के पास ये अगर वीडियो पहुँचता है तो ज़रूर ही उनको कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरा, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा ID है Aditya110638। यहाँ पर आपको वो कंटेंट मिलेगा जो स्टडी में आपकी हेल्प करेगा और साथ ही साथ जब आप स्टडी करते करते बोर हो जाते हैं तो आपका एंटरटेनमेंट भी करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।